भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर वो सत्र के अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ करके चर्चा करने से कतराते क्यों हैं, सदन से भागते क्यों हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते। सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। मैंने 13 सत्र में भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया रहा है, वो सदन में ही उपस्थित नहीं रहते, तो अवधि की मांग करना मैं समझता हूँ बेहद हास्यास्पद है। जितने भी मुद्दे वो लाएं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हमारी विधानसभा की परंपरा रही है अधिक मुद्दे होते हैं तो हम देर रात तक 2-2 बजे रात तक बैठ करके विधानसभा चलाए हुए हैं, वो मुद्दे तो लाएं और सदन में बैठ कर चर्चा करें, हम उनका स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन वो भागेंगे और सदन चले बोलेगा तो कैसे चलेगा। केवल सत्र का सवाल नहीं है, देश में जिस तरीके से बिजली का, डीजल का और कोयले का संकट पैदा कर दिया गया है, हजारों हजारों यात्री ट्रेनें अभी निरस्त कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इसका अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को नहीं है। ये उसी तरीके से होने जा रहा है, जब कोरोना काल में सारी ट्रेनें बंद थी तो लोग पैदल अपने घरों को कूच किए थे और कितने हजारों हजार मजदूरों को, श्रमिकों को सड़कों में मौत गले लगाया। तो मेरा कहना है देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार समय रहते इन सारी चीज़ों को कुछ ठीक नहीं कर पा रही है।